भगवान ने अघासुर बकासुर का वध किया, लेकिन भागवत में वर्णन आया कि ब्रह्मा जी की भी मति मारी गई। चतुरानन ब्रह्मा जी ने सोचा कि बताओ ये भगवान है, न हाथ धो रहे न पांव धो रहे, जूठन खा रहे। भगवान भी बड़े लीलाधर हैं, यमुना जी में स्नान करें, भगवान आके बैठ जाएं गोप ग्वालों के बीच में, हाँ भाई लाओ अपने अपने घर से क्या लाए, तब तक मन सुखा ला, महाराज हमारे घर पे बढ़िया कड़ी बनी जरा चखो, महाराज हमारे घर पे लड्डू बना, आधा लड्डू खा लिया आधा बचा सुकन्हैया को खवा दिया। ब्रह्मा जी को दिमाग खराब, बताओ ये भगवान है, इनका कोई नियम ही नहीं है। और सच बतावे भगवान का एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं भगवान का। तो आहा ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, ब्रह्मा जी ने सोचा आप देखते हैं ये भगवान है कि नहीं, क्या उपाय है। आहा ब्रह्मा जी ने सभी जितनी गैया चराने गए थे सब गैयों का हरण कर लिया, चोरी कर ली, और जब तक भगवान गैया ढूंढने गए तब तक गोप ग्वालों की ही चोरी कर ली, जितने गोप ग्वाल थे ब्रह्मा जी सभा पकड़ के अपने लोक ले गए। भगवान इधर आए सो गन्या गायब, वापस आए सो ग्वाल गायब। भगवान का भी दिमाग खराब, के हद हो गई, आंखें बंद की तब पता लगा कि चार मुख वाले ब्रह्मा जी को दिमाग खराब है। भगवान बोले रुक जाओ ब्रह्मा जी, तुम सोचो कि हम तुम्हारे सामने जाए हाथ जोड़े के दे दो वापस, बिल्कुल नहीं, जितनी गन्या गई थी जितने ग्वाल चोरी में गए थे हमारे ठाकुर जी उतने ही रूप बनकर के प्रकट हो गए, ले ओ, जैसे गोप ग्वाल कपड़े पहने थे वैसे कपड़े बन गए, गैया जैसी थी वैसे ही स्वभाव की, ऐसा नहीं कि भाई स्वभाव गड़बड़ हो जाए, कि गैया तो ठीक बनी पर कल तक ये मारत ना थी आज मार रही, स्वभाव भी वैसा ही। महाराज एक साल तक कोई समझ नहीं पाया कि ये गोप ग्वाल है कि भगवान ही गोप ग्वाल बने हैं रूप धारण करके। बोलो सीताराम। अब तो घर वालों का बड़ा प्यार आने लगा अपने बच्चों के ऊपर, कल तक जो पीटती थी माताएं अब तो बच्चों पर प्यार उमड़ने लगा, क्यों? क्योंकि गोप ग्वाल उनके बच्चे नहीं, साक्षात जगदीश ही गोप ग्वाल बन करके घर पर घूम रहे हैं। इधर एक साल हो गए, इस रहस्य को बलदाऊ जी भी नहीं जान पाए ठीक से। एक साल बाद जब बलदाऊ जी बोले लाला ओ कन्हैया, पहले हम किसी भी गैया को गौर से देखते थे तो उसमें कोई ना कोई महात्मा दिखाई पड़ता था पीछे से, आजकल जिस भी गैया को देखो तू ही तू दिखाई पड़ता है, क्या मांजरा है? भगवान ने कहा कुछ नहीं, कुछ अपना ही निजी मामला है। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी ने सोचा एक साल हो गई, अब तो भगवान अगर ये भगवान होंगे तो बच गए होंगे, नहीं तो गांव वालों ने पीट पीट के लाल कर दिया होगा, पूछ रहे होंगे कि गैया कहां गई, ग्वाल कहां गए, जेल में होंगे। ब्रह्मा जी आए नीचे देखने, ब्रह्मा जी ने जैसे ही नीचे देखा कि जितनी गैया जितने ग्वाल ले गए थे वो तो यहां है। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान हम तो ऊपर ले गए थे, ये नीचे कैसे आ गई? ब्रह्मा जी ऊपर गए तो ऊपर सब सो रहे, ब्रह्मा जी बोले हे भगवान यहां सो रहे वहां खेल रहे, और नीचे फिर आए ब्रह्मा जी तो कोई खेल रहा कहीं गैया खा नहीं रवा नहीं, तीन चार बार ऊपर नीचे भय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का माता खराब हो गया, ब्रह्मा जी समझ गए भैया ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं। तुरंत ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में जाकर बैठ गए। बोलो सीताराम। क्षमा करो महाराज हमसे भूल हो गई गलती हो गई। भगवान बोले कहो ब्रह्मा जी तुम्हारी भी मति मारी गई। बोले महाराज क्या बताएं, अब क्षमा कर दो आप तो दयालु हो। जहां ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान बोले ठीक है, ब्रह्मा जी प्रार्थना ही करते रहे तब तक भगवान ने लीला कर दी। क्या इधर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हो उधर भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और द्वार पर जाकर द्वारपालों से बोले सुनो द्वारपालो आजकल हमारा रूप बना करके बहुत बहुरूपिया घूम रहे, और कोई भी बहुरूपिया फंसे पहले लाल कर दियो मार के।
फिर हमारे पास ले आना। और भगवान गए और ब्रह्मा जी बनकर भीतर बैठ गए। आहा, अब ब्रह्मा जी यहां स्तुति स्तुति करके प्रार्थना करके प्रणाम करके ऊपर आए। और जैसे ही आए सोई द्वारपालन ने दूर से देखी, हे भगवान अपने सरकार तो बॉस तो पहले ही भीतर चले गए जी, दूसरो बॉस। सोई द्वारपाल बोले, देखो भैया अभी अभी अपने सरकार बता के गए थे कि आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे, जो आ गो बहुरूपिया। सोई द्वारपाल बोले, तनक लट्ठी कड़क कर लो, लाठी लो। हाँ भाई कहां जा रहे? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा माथो खराब है, ब्रह्मलोक हमारा, हम ब्रह्मा जी हमसे ही पूछते हो कहां जा रहे, भांगांग खाके लगेगा। द्वारपाल बोले, हम सब पहचानते हैं तुम बहुरूपिया हो, हमें पहले ही पता लग गया, ज्यादा अंग्रेजी ना बोलो नहीं तो लाल कर देगी। ब्रह्मा जी को दिमाग खराब के, हे भगवान हमारे द्वारपाल हमको ही रोक रहे। बोले, भैया तुम्हारे सरकार एक पहले से भीतर हैं का? द्वारपाल बोले, और नहीं तो क्या, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आजकल हमारे बहुरूपिया घूम रहे, तुम बहुरूपिया हो, पकड़ लिया हमने, सीधे से सरेंडर हो जाओ नहीं तो मार मार लाल कर देंगे। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी ने सोचा पिटने से तो अच्छा ही है सरेंडर हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, क्षमा करो भैया, आप हमें अपने सरकार के दर्शन और करवा दो एक बार, चलो भीतर। सरकार आप कह रहे थे कि बहुरूपिया घूम रहा, घूम नहीं रहा, हम लोगों ने तो पकड़ लिया। भगवान बने ब्रह्मा जी बोले, ले आओ सामने। और जहां आए सोई भगवान मुस्कुरा के बोले, कहो ब्रह्मा जी कैसी रही? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार बहुत उल्टी रही। क्यों? हमारे घर में हम ही पिटवा रहे, हमारी ही द्वारपालों से। भगवान बोले, अब आज के बाद लौट कर भूल मत करना। ब्रह्मा जी बोले, सरकार हम क्षमा तो मांग चुके, पर भगवान ने अपना रूप बदला, वापस अपने रूप में आए। द्वारपालों ने तुरंत ब्रह्मा जी का हाथ छोड़ा, सबने भगवान को प्रणाम किया। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की। बोलो द्वारकाधीश की, नंद नंदन भगवान की।